بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, आज हम start करेंगे अभी है ninth class की chemistry. अब सबसे पहले discuss करेंगे chapter number one, basics of chemistry. सबसे पहले हम define करेंगे chemistry. The branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of साइंस की वो शाखा जिसके अंदर हम आगे की बनावट, सा खसूसियात और रिएक्शन का मुताला करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री के अंदर हम रेजिड की चार चीजों का मुताला करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर हमने यह देखना है कि कोई भी मैटर है वो किस चीज से बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास है वाटर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के एटम इसके अंदर शामिल है और एक ऑक्सीजन का एटम शामिल है, तो ये होगी वाटर की कंपोजिशन। नंबर टू हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स मैटर की कंपोजिशन में इन्वॉल्व हैं उनकी तरतीब क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट तरतीब। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एंगल बनता है 107.5 डिग्री। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है खुसूसियात। को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर लिंक्ड विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाइल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली वैलेंसी आ जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी। तो लास्ट वन हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शन की अगर बात करें, हमारे पास रिएक्शन की दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल टेम्परेरी चेंज होता है जबकि केमिकल जो होता है परमानेंट चेंज होता है। सपोज हम बात करते हैं इस तरह, हमारे पास है ये शुगर है, इसके साथ हम सैंड मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या होगा, फिजिकल रिएक्शन, जिसमें जो मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती हैं, चेंज नहीं होती, और इनको हम फिजिकल मेथड से दोबारा से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें वाटर का और
सोडियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ HCl। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।